मध्य प्रदेश में रेप के मामले में अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के 24 घंटे के अंदर सजा का ऐलान कर दिया है और मिसाल कायम की है। एक बच्ची के साथ रेप के दोषी नाबालिग को एक जुवेनाइल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि रेप के इस मामले में सोमवार को ही चार्जशीट पेश की गई थी और अदालत ने उसी दिन दोषी को सजा सुना दी। इसे बलात्कार के किसी मामले में सबसे तेजी से ट्रायल और सजा के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि पीड़ित बच्ची के परिजन स्वतंत्रता दिवस के दिन उसे अपने लड़के के साथ खेलने के लिए छोड़कर काम पर चले गए थे, लेकिन उसने इसी दौरान रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने के मुताबिक रेप के बाद नाबालिग गांव से फरार हो गया था। 16 अगस्त की रात को उसे चौमलहा इलाके में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। 4 दिन के अंदर ही उज्जैन पुलिस ने तफ्तीश पूरी करते हुए सोमवार को जज तृप्ति पांडे की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जज ने आरोप पत्र पेश होने के चंद घंटों के अंदर ही अपना फैसला सुना दिया। दोषी नाबालिग को सिवनी जुवेनाइल होम में सजा के तौर पर 2 साल गुजारने होंगे।